यूपी के 2017 विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी बीएसपी के बाद अब कांग्रेस ने भी पोस्टर वॉर शुरू किया है। इस पोस्टर में दबंग के सलमान खान के स्टाइल में दिख रहे राहुल गांधी 27 साल से प्रदेश को लूटने वाले से निजात दिलाने और अत्याचार मिटाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। सियासत में छुटभैये नेता कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे बड़े से बड़ा नेता असहज हो जाता है। वैसे तो हर सियासी पार्टी में नेता चाटुकारिता करते हैं, लेकिन कभी कभी ये चाटुकारिता चरम पर पहुंच जाती है और तब कुछ ऐसा हो जाता है जो पूरी पार्टी के लिए परेशानी बन जाता है। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता अपने लीडर को खुश करने के लिए तरह तरह के कारनामे कर रहे हैं। ताज़ा कारनामा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है, जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी कर विवाद खड़ा कर दिया है। प्रदेश में चल रहे पोस्टर विवाद में अब राहुल गांधी ने अपनी एंट्री मारी है। केशव प्रसाद मौर्य के कृष्ण अवतार और मायावती की काली माँ के अवतार के बाद अब राहुल गांधी यूपी के एक पोस्टर में सिंघम के अंदाज में नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर जारी किया है। इसमें राहुल गांधी एक दबंग जनरक्षक के अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर में राहुल गांधी को सिंघम के अवतार में दिखाया गया है। साथ ही इस पोस्टर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सीएम अखिलेश यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी को राहुल के सामने हाथ जोड़े दिखाया गया है। साथ ही पोस्टर में लिखा है कि माफ कर दीजिए सर, अब ऐसी गलती नहीं होगी। इस पोस्टर में सिंघम स्टाइल में दिख रहे राहुल गांधी 27 साल से प्रदेश को लूटने वालों से निजात दिलाने और अत्याचार मिटाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव की सरकार को दंगाई और बाहुबलियों की सरकार बताया जा रहा है, वहीं मायावती को घोटाले और भ्रष्टाचार में शामिल बताया गया है। दूसरी ओर यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को दबंगई और अपराधी के साथ ओवैसी को समाज में नफरत फैलाने वालों में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि यूपी में ये पहला पोस्टर है जिसने विवाद को जन्म दिया है। बीते 15 अप्रैल को यूपी बीजेपी चीफ बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के वाराणसी दौरे से पहले उनके स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ता रूपेश पांडे ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्टर शेयर किया था। इसमें मौर्य को कृष्ण भगवान के रूप में, जबकि बीजेपी विरोधी नेता बीएसपी चीफ मायावती, सीएम अखिलेश यादव, आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी पोस्टर में यूपी का चीरहरण करते दिखाया गया था। पोस्टर पर लिखा था, कलयुग में केशव केवल उपदेश नहीं देते, रणभूमि में युद्ध करते हैं। इसके दो दिन बाद इलाहाबाद में भी एक पोस्टर में केशव प्रसाद को महाभारत के अर्जुन के तौर पर पेश किया गया था। वहीं कुछ दिनों बाद बीएसपी के कार्यकर्ता ने मायावती को काली के अवतार में दिखाकर पीएम मोदी और अमित शाह को संहार करते हुए दिखाया गया था। बहरहाल अब यूपी विधानसभा चुनावों में एक साल से भी कम समय बचा है और ऐसे में ये पोस्टर वॉर कहीं न कहीं यूपी के सियासी तापमान को बढ़ाने के लिए आग में घी का काम कर रहा है। ए टू जेड के लिए रेणु राज की रिपोर्ट, दिल्ली।